एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि इस पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में भारत के व्यापक हित जुड़े हुए हैं। अगर स्थितियां बदलती हैं, तनाव एस्केलेट होता है, एस्केलेशंस होते हैं, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा झटका है? ये देखिए, जाहिर सी बात है कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में हो, और खासतौर पे अगर तेल, जैसा कि मैंने बताया कि काफी ज्यादा जो आयात भारत तेल का करता है, तो अगर कीमत बढ़ती है कच्चे तेल की, तो भारत में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत में अभी जो तेल की कीमतें हैं वो स्थिर हैं, उसमें इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये युद्ध का सिलसिला चलता है और तनाव जो है वो बढ़ता है, युद्ध भड़कता है, तो उसका सीधा खामियाजा भारत को भी उठाना पड़ेगा। और खासतौर पर जो माल ढुलाई होकर आता है उसकी जो कीमत है वो बढ़ गई है, क्योंकि लाल सागर का जो इलाका है वो काफी युद्ध की जद में है और हुती के हमले वहां पर होते रहे हैं। तो जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो हालत है और उसका जो असर है वो भारत पर भी देखने को पड़ सकता है, और जो हम सबों को अपनी जेब से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर युद्ध जल्द ना रुका तो, और तनाव अगर बढ़ना खत्म ना हुआ तो।